तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मोनवीर कुंडू सर के डेयरी फार्म पर, ये देख सकते हैं रवाना होने से पहले शाम की इन भैंसों की मिल्किंग एक रेफरेंस के तौर पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, खाली बाल्टी दिखा दें प्लीज। ठीक है, वो देख सकते हैं चौथे नंबर पर जो भैंस है, खाली बाल्टी दिखा दिए, पूरा उल्टा कर दें। हाँ ठीक है, ठीक है, निकालें। ठीक है, खाली बाल्टी दिखा दी है। ठीक है, नंबर दो पर। ठीक है, निकालें, निकालें, निकालें। अर्डर की पोजीशन में एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा, काफी शानदार। ठीक है, निकालें। निकालें, निकालें आप। तो देख सकते हैं खाली बाल्टी दिखा दी है। ठीक है, निकालें। लास्ट में देख सकते हैं आप, 21 भैंसे हैं, एक साथ दूध नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे क्योंकि फ्रेम से, जो कैमरा का जो फ्रेम है उससे बाहर चली जाएगी वीडियो, भैंसे नहीं आ पाएंगी, भारी मात्रा में भैंसे अंदर भी हैं। तो रेफरेंस के तौर पर 3-4-5 भैंसे जिनकी फ्रेम के अंदर, एक फ्रेम के अंदर वीडियो कवर हो सके, उनकी मिल्किंग यहां पर रिकॉर्ड करते हुए। ये देख सकते हैं काफी शानदार। खाली बाल्टी दिखा दिया। ठीक है, ठीक है, निकालें। तो देख सकते हैं एक बाल्टी ऊपर तक लबालब भर दी है, तो ये दूध उत्पादन क्षमता है। खाली बाल्टी दिखा दें एक बार, उल्टी करके, बिल्कुल उल्टी, बिल्कुल उल्टी। ठीक है, अब लखें।
ये देख सकते हैं एक भैंस की मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है, वहीं रख दें दोनों बाल्टी, वहीं रख दें, वहीं रख, बस 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 यहीं रख दें, यहीं रख दें, बस बस। थोड़ा जल्दी निकालें, ये देख सकते हैं बड़ी बाल्टी है, आगे ले आए मेरी तरफ ले आए, हाँ एक बार दिखा के जाएं, ये सामने रख दें, सामने रख दें, ये देख सकते हैं बड़ी बाल्टी है काफी शानदार, और ये देख सकते हैं ऊपर तक लबालब भर दिए, उसके आगे रख दें, बस कवर ना करें उसको, थोड़ा साइड में रखें, बस ठीक है। दो बाल्टी देख सकते हैं इस वाली भैंस की थी, और ये जो पीछे वाली बाल्टी है ये इस वाली भैंस की, ये देख सकते हैं इसकी भी मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है बहुत ही शानदार, ठीक है थोड़ा सा उन्हीं के साथ रख दें, फ्रेश काविंग है, सभी ताजा ब्याई हुई हैं, काफ काफी छोटे हैं, मैला छटने से पहले ये देख सकते हैं दूध उत्पादन क्षमता भैंसों ने दिखाई है, काफी अच्छी है, ये देख सकते हैं दांत भी नहीं आए हैं, एक सेकंड, हाँ दोबारा दिखाएं, तो देख सकते हैं नवजात बच्चे हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ठीक है, नवजात बच्चे हैं, पांच दिन के बच्चे के दांत उगने शुरू हो जाते हैं, तो देख सकते हैं उससे पहले, देख सकते हैं देरी काफी हो रही है इसलिए दो बंदे मिलके निकाल लें, एक बंदे को और लगा दो, भी मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है, शाम की समय की मिल्किंग है, धुले रवाना होने से पहले इन सभी भैंसों की मिल्किंग करके एक रेफरेंस के तौर पर दिखाई जा रही है, ये देख सकते हैं काफी शानदार दूध उत्पादन क्षमता, ये देख सकते हैं काफी शानदार, ठीक है एक भैंस का जो है उसको आगे रखें, सबसे पहले आप उठाएं, फ्रेम से बाहर ना जाने दें, बस ठीक है ले चलें, एक के पीछे एक कर दें लाइन लगा के, ठीक है बस बहुत शानदार, खाली बाल्टी रखें, जीरो काटें उसका, एक सेकंड, हाँ काट दें, जीरो काटें, ये देख सकते हैं जीरो वेट कर दिया गया है, ठीक है ठीक है ठीक है, डालें, तो पहले वाली एक भैंस का ये यहां पर देख सकते हैं दूध रिकॉर्ड करवाते हुए, काफी शानदार, दो बाल्टियों में उसका दूध था, काफी शानदार, ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार, 11 किलो 540 ग्राम देख सकते हैं, तीन दिन की ब्याई हुई भैंस, एक सेकंड, फर्स्ट टाइमर बफलो है, वहीं रखें, इस बाल्टी को आगे सरकाएं, तीनों बाल्टियों को, दूध वालियों को, हाँ ठीक है, हाँ और आगे, हाँ ले जाए जल्दी करें इसको भी, ये देख सकते हैं जो वेट मेजर हुआ है, ये देख सकते हैं 11 किलो, बस ठीक है, 11 किलो 542 ग्राम देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, 11 किलो 542 ग्राम, 11.5 किलो दूध एक समय का, फर्स्ट टाइमर बफलो है, सॉरी सेकंड टाइमर बफलो थी इनकी,
तो देख सकते हैं ये दूध उत्पादन क्षमता है, जितना सर ने बताया था उसी के पास इनका दूध उत्पादन मिलता है। इसी वजह से जो विश्वसनीयता, जो लोगों का, जो युवा पीढ़ी का जो भरोसा इन्होंने जीता है वो काबिल तारीफ है। ये देख सकते हैं डेढ़ बाल्टी में जो दूध निकला था, सेकंड टाइमर बफलो है, तकरीबन एक समय का दूध 11.5 kg है, ठीक है, जीरो वेट कर लिया गया है, ठीक है, डालें। ये देख सकते हैं फर्स्ट टाइमर बफलो है, तकरीबन 10 किलो के आसपास दूध उत्पादन क्षमता इस भैंस की भी है, 9 किलो 700 ग्राम के आसपास। झाड़ के डाल दें, जल्दी करें, 9 किलो ये देख सकते हैं, हाथ देके झाड़ दें, ठीक है, बस ठीक है, 9 किलो देख सकते हैं 700 ग्राम एक समय का दूध है, फर्स्ट टाइमर बफलो है, देख सकते हैं तकरीबन 18 लीटर 19 लीटर के आसपास दूध तैयार है, 19 लीटर के बाहर, ठीक है। अगली भैंस का दूध रिकॉर्ड करवाएं, बाल्टी को आगे रखें, ये देख सकते हैं काफी शानदार लाजवाब, ये देख सकते हैं 11 किलो 460 ग्राम दूध, 11 किलो 460 ग्राम दूध एक समय का, 11.5 किलो दूध, तो देख सकते हैं 4 दिन की ब्याई हुई है, फर्स्ट टाइमर बफलो है, 28-29 लीटर दूध निकालेगी, 28-29 लीटर दूध सर का दावा है निकालेगी, तो ऐसा थरड़ में है ये जो मैंने आपको बताई थी वो, तो देख सकते हैं काफी शानदार पशुधन, ठीक है। शायद ही कहीं हमें इतनी भारी मात्रा में इतना अच्छा पशुधन एक खुट्टे पर देखने को मिलता है। गजब, ये देख सकते हैं इसकी जीरो नहीं काटी सर, दोबारा मिल्किंग कर लो, कोई फिर बाद में, कोई नहीं। ये देख सकते हैं जीरो काट दी गई है, ठीक है, जीरो, हाँ ठीक है, अब दोबारा डाल दें। भूल चूक के लिए माफी चाहेंगे, ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार, 10 किलो 330 332 के आसपास दूध देख सकते हैं, 10 kg 330 ग्राम दूध, ये देख सकते हैं जो की है जिसका बुखार हो गया था, फर्स्ट टाइमर बफलो है, बुखार से ग्रसित हो गई थी, फिर भी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो काबिले तारीफ है। तो सर ने जो बताई थी कि 21 भैंसें इस लोट में जा रही हैं, सभी की दूध उत्पादन क्षमता 20 लीटर से ज्यादा है, तो ये देख सकते हैं पूरी बाल्टी भरकर दिखाएं, बाल्टी हटाएं, एक बार बाल्टी हटाएं, ये देख सकते हैं दूध इस बुल को दिया जाता है पीने के लिए, क्योंकि दूध उत्पादन की यहां पर कोई कमी नहीं है, तो बुल को इसलिए पिलाया जाता है ताकि इसकी जो सीमन की क्वालिटी है वो बरकरार रहे, गर्भधारण जो करें इसके सीमन से जो भैंसे उनके जो बच्चे आए, संतान आए, वो सुपीरियर क्वालिटी के आए, तो काफी अच्छा रख रखाव यहाँ पर अपने फार्म पर करते हुए मोनवीर कुंडू सर।